अब एक बार फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गई है। बुधवार को खत्म हुई अपनी वाई मंथली बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल बैंक ने इस बारे में जानकारी दी। रेपो रेट के बढ़ने से तमाम तरह के लोन अब महंगी दरों पर मिलेंगे और आम आदमी पर ईएमआई का बोझ पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ेगा। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को जहां 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90% कर दिया है, वहीं स्थायी जमा सुविधा दर को 4.15% से बढ़ाकर 4.65% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.65% से बढ़ाकर 5.15% पर एडजस्ट किया है। बता दें कि पिछले महीने 4 मई 2022 को आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40% करके सबको चौंका दिया था, जबकि स्थायी जमा सुविधा दर को 4.15% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.65% पर एडजस्ट किया था। कल तक अलग अलग फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा 25 से लेकर 50 आधार अंकों तक की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा था। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि सेंट्रल बैंक 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है।